गुवाहाटी, दिल्ली, नागपुर, कानपुर, अमृतसर, चेन्नई और फाइनली कोझिकोड। एयर इंडिया एक्सप्रेस में कैबिन क्रू के लिए ये हैं वो लोकेशंस जहां पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। तो अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो आज की ये वैकेंसी, आज का ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ध्यान से देखिएगा और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताते चलूं कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए मैंने क्लास यानी कि कोर्सेज चालू कर रखे हैं, क्रैश कोर्स चालू कर रखा है। तो अगर आप भी एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो आई गारंटी यू कि ये जो क्लास है, ये जो मेरा सेशन है जो कि है एक महीने का, जिसकी फी है अभी के टाइम में जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2500 रुपये, यानी कि 2500, बाद में बढ़ जाए तो वो मैं नहीं कह सकता। तो इसे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 100% आपको बेनिफिट होगा, आपकी जॉब लगेगी। बस आपको करना इतना है कि मैं जो भी बताऊं, समझाऊं, जिस तरह से आपको गाइड करूं, वैसा आपको करते जाना है। तो बात करें आज के इस वैकेंसी डिटेल की, इसमें सबसे पहले बात करता हूं आज की वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए HSC POC यानी कि 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। वेट आपका विद इन प्रिस्क्राइब्ड BMI होना चाहिए और BMI आपकी यहां पर है 18 to 22। मिनिमम हाइट बेयरफुट यानी कि बिना कुछ पहने नंगे पैर फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक बात ध्यान देने की है कि इस वैकेंसी के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, अभी के टाइम में अप्लाई कर सकते हैं, अपियर हो सकते हैं। जॉब के नेचर को देखते हुए आपकी कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश में अच्छी होनी चाहिए। कम्प्लेक्शन आपका होना चाहिए क्लियर, कोई भी विजिबल टैटू, स्कार्स या फिर डेंटल ब्रशेस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप होने चाहिए इंडियन नेशनल। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी है और इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं। अभी बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज होता है। सबसे पहले आप यहां मेंशन कीजिए अपना ईमेल, उसके बाद योर नेम, आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, करंट लोकेशन, अभी कहां रह रहे हैं आप वो डाल दीजिए, प्रेफर्ड इंटरव्यू लोकेशन, इतने सारे जो आपको डेट्स आप दिख पा रहे हैं, इन सब में से अभी के टाइम में आप कहां के लिए अपीयर होना चाहते हैं, इंटरव्यू लोकेशन कहां की है आप वो मेंशन कर दीजिए, आपकी हाइट इन सेंटीमीटर कितनी है, वेट इन केजीज कितना है, BMI मेंशन कर दीजिए। जेंडर में डेफिनेटली ये जो वैकेंसी केवल फीमेल के लिए है तो जेंडर में आप फीमेल पे टिक कर दीजिए। पासपोर्ट नंबर मेंशन कीजिए। इसके बाद आपको दो यहाँ पर चेक बॉक्स यानी कि टिक पॉइंट दिख रहे हैं। फर्स्ट वाले में ये बताया गया है कि टाटा ग्रुप के वो लोग जो कि ऑलरेडी टाटा में काम कर रहे हैं, अगर वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अपियर होना चाहते हैं, तो उन्हें IJP यानी कि इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू अपियर यानी कि अप्लाई करना होगा। एंड सेकेंड वन इज कि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस को ये ऑथराइज कर रहे हैं कि वो आपके इस डिटेल को इंटरव्यू पर्पज के लिए यूज कर सकती है। सब कुछ करने के बाद आई एक्नॉलेज दोनों पे क्लिक करके आप नीचे सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और उसके बाद चला जाता है कंपनी के पास। जो भी डिटेल मिले आप उसे नोट कर लीजिए। तो फाइनली अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आपका अपडेटेड रिज्यूम। ऐसे देखा जाए तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रिज्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। वीडियो के स्क्रीन पे अभी जो आप डॉक्यूमेंट्स देख पा रहे हैं, आपका रिज्यूम हो गया, आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, पासपोर्ट हो गया, और अगर आप एक्सपीरियंस केबिन क्रू हैं तो SEP कार्ड, इन सभी को लेकर आपको चले जाना है इंटरव्यू पे। इंटरव्यू का डिटेल आपको मिल जाएगा थ्रू मेल। तो अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो कैबिन क्रू के इंटरव्यू की तैयारी के लिए नीचे वाले वीडियो को और मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।